नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों एक बार फिर से नीरज कुमार ब्लॉग में आपका स्वागत है। और दोस्तों आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज यहां मैं चांदनी चौक में फिर से एक बार आया हूं, क्योंकि यहां पर रक्षाबंधन मूवी जो है उसकी शूटिंग हुई थी यहां लाल किला के सामने। और ये अगस्त की बातें हैं, अगस्त में फिल्म रिलीज़ हो चुकी थी, अगस्त 22 में। और दोस्तों उसी के यहाँ कुछ शूटिंग सीन है जो मैं अभी आपको बारी बारी करके दिखाऊंगा। आप लोग एंजॉय करें और वीडियो को दोस्तों लाइक सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए करते हैं शुरू शूटिंग लोकेशन रक्षाबंधन। दोस्तों एक सीन इस जगह से है, अक्षय कुमार जी जो है दौड़ते हुए आते हैं इस तरफ, क्योंकि फिल्म मैंने देखी नहीं है। वो क्यों दौड़ते हुए आते हैं ये मुझे नहीं पता, मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं दो चार और आपको दिखा रहा हूँ। पीछे रक्षा आ गई मुझे हटा रहे हैं। तो इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं राइट साइड में ऊपर सारे ये कॉलम दिखाई दे रहे हैं मंदिर के, और लेफ्ट साइड में जो पेड़ थे वो पेड़ भी ठीक उसी तरह दिखाई दे रहे हैं, पर कितना कि उस टाइम बारिश में धुले हुए थे पेड़ अच्छी तरह, और अभी मट्टी में गंदे हो रखे हैं क्योंकि महीना पॉल्यूशन बहुत हो रखा है दिल्ली में, और वैसे भी ऊपर से होश वगैरह गिर रही है। तो सब कुछ जो है पेड़ पौधे उतने साफ दिखाई नहीं देंगे आपको जितने स्क्रीनशॉट में। एक सीन दोस्तों यहाँ, एक सीन इस सड़क का है, यहाँ से अक्षय कुमार जी दौड़ते हुए जाते हैं। और आप देख सकेंगे ये टेम्पो निकलने के बाद सामने लेफ्ट साइड में मंदिर के ऊपर के वो तीन चार डिजाइन आपको दिखाई देंगे। ये नज़ारा है दोस्तों लाल किले का, ये आप देख सकते हैं। ये इस एंगल से भी बहुत अच्छा लगता है देखने में। ये गुंबद यहाँ पे है और ये गेट पीछे वाला है जहाँ टिकट मिलती है ना। अभी हम जिस साइड से आए हैं इधर से, इस साइड में टिकट मिलती है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, क्योंकि ये सड़क ना लाल किले के बाहर बाहर से आगे फ्रंट पे गई है, और पीछे की साइड से एंट्री दे रखी है, आगे भीड़ ज़्यादा होती है इसलिए यहाँ से आपको लोग आते जाते दिखाई देंगे, इसका यही कारण है। ये थ्री व्हीलर भी हैं जो 10 रुपये लेते हैं लाल किला तक आगे फ्रंट तक पहुँचाने के लिए। और ये साइड में नदी है, इसमें पहले लाल किला के चारों तरफ पानी भरा होता था जब कभी राजा रहते होंगे, और उस टाइम सिक्योरिटी के लिए कोई भी बाहर से आक्रमण करने आए तो पहले पानी में घुसे और ऊपर से, ताकि उसके ऊपर बमबारी कर दी जाए। तो दुश्मन से बचाव के लिए ये चारों तरफ इसके नदी बनाई गई थी, पीछे यमुना थी, यमुना के टच में ही ये लाल किला बनाया गया था। दोस्तों ये सड़क है जो सामने से आती है, जो मैंने बताया था कि 10 रुपये थ्री व्हीलर वाला लेता है, पीछे की साइड से एंट्री है, और फिर हमें इस साइड से यहाँ पे ये लाल किले का फ्रंट है, फ्रंट पे हमें इस साइड से जाना होता है, और यहीं से हमारी शूटिंग लोकेशन जो है एक बनती है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये बस के ऊपर अक्षय कुमार जी बैठे होते हैं और वो अपनी बहन को लेके जा रहे होते हैं। बरसात का टाइम था दोस्तों, उस टाइम पेड़ जो है काफ़ी हरे भरे थे, और अगस्त में फिल्म रिलीज़ हुई थी, उससे पहले ये सीन लिए गए होंगे, क्योंकि अक्षय कुमार की फ़िल्म बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ये सीन इस तरह से, बस के ऊपर वो बैठे होते हैं, और इस तरह से आप देख लीजिए ये पेड़ हल्का सा दिखाई देता है राइट वाला। और बाकी एक सीन फिर ऐसे लिया गया है, ये थोड़ा ऊँचाई से लिया गया था, मैं नीचे खड़ा हूँ सड़क के ऊपर, क्योंकि ऊंचाई के ऊपर से अगर ये सीन लिया जाता तो और भी ज़्यादा यहाँ पे ये पेड़ दिखाई देता, और साइड में वो दीवार लाल किले की, स्क्रीनशॉट मैंने नीचे लगा दिया है, आप लोग देख लीजिए। और इस तरीके से नदी आई हुई है यहाँ पे, ये थोड़ा सा कोना था लाल किले का, तो ये पानी की यहाँ पे गोड़ाई दे दी गई है ताकि पानी घूम के और इस साइड में चला जाए, पानी की टक्कर सीधी लाल किले में ना लगे, नुकसान ना हो, इस वजह से ये इस तरीके से पानी दिया गया है।
ठंडा है ना कल। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि मैं इस रास्ते से पीछे से आया हूँ और अभी मैं यहाँ फ्रंट पे पहुँच गया हूँ और इस जगह पे कुछ सीन लिए गए थे वो मैं आपको दिखाऊंगा। एक सीन यहाँ से लिया गया है, ये नीम का पेड़ हल्का सा दिखाई देगा और थ्री व्हीलर में यहाँ से जाते हुए दिखाई देंगे आपको अक्षय कुमार। ठीक इसी जगह का ये सीन है, आप लोग देख लीजिए और यहाँ का मैं आपको पूरा ये नज़ारा भी मैं आपको दिखा दूँगा। एक नज़ारा यहाँ फ्रंट से लिया गया है, अक्षय कुमार जो थ्री व्हीलर वाला होता है उनके कंधों पर हाथ रखते हुए शायद वो थ्री व्हीलर को यहाँ रुकवा रहे थे, तो ये सीन यहाँ पे लिया गया है कि बिल्कुल लाल किला के आगे हूँ मैं। ये आप यहाँ देख लीजिए पूरा। दोस्तों इसी जगह से अभी मैं आप लोगों से लेता हूँ विदा, अगले एपिसोड में जल्दी मिलेंगे दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, राम राम दोस्तों।